अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस टाइम हम जो है भावलपुर क्रिकेट स्टेडियम पे मौजूद हैं, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है इधर। आप मेरी बैक साइड पे अगर देखें तो आपको एक मस्जिद भी नज़र आएगी। यहाँ जो है नमाज़ वग़ैरह अदा करते हैं खिलाड़ी, और साथ ही आपको बैक साइड पे पवेलियन नज़र आएगी। यहाँ से जो है बेसिकली जो है वो कमेंटेटर बैठते थे, यहाँ कमेंट्री वगैरह करते थे जब भी पाकिस्तान में मैचेस वगैरह होते हैं। तो इसी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आपको जो है मेरी बैक साइड पे जिमनेजियम नज़र आएगा। जिमनेजियम में बेसिकली वॉलीबॉल, कंफू, ताइकमांडो, इसके अलावा क्रिकेट और दीगर गेम्स वगैरह जो खेली जाती हैं, तो इधर वो आके अपनी जो है रिहर्सल और प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे इस टाइम मैच चल रहा है और खिलाड़ी इस टाइम खेल रहे हैं टेस्ट मैच। तो ये अंडर 19 का जो है टूर्नामेंट हो रहा है और इधर जो है लोग जो है आए हुए हैं मैच खेलने के लिए। तो आगे जो है जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं थोड़े से तासुरात। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो हैं क्रिकेट प्लेयर इधर बैठे हुए हैं। तो ये टेस्ट मैच अभी चल रहा है, तो इनसे पहले तो पूछते हैं मैच की क्या इस टाइम सूरत हाल चल रही है, और इस हवाले से बाद में इनसे पूछते हैं कि भावलपुर क्रिकेट की जो है वो कहां तक जो है हुकूमत ने इस पर तवज्जो दी है। तो पहले तो इनसे जानते हैं कि मैच की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, नाम बता दीजिए। जी मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूं, और ये सतलुज क्रिकेट और एवेंजर्स के माबैन मैच खेला जा रहा है। तो अभी तो सूरत हाल हमारी बड़ी टफ चल रही है, दो बैट्समैन आउट हो चुके हैं हमारे, दूसरी साइड बहुत अच्छा खेल रही है। हमको जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हमने फैसले कर लिए, और जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। उम्मीद है हमारे पास अच्छे बैट्समैन, इंशाल्लाह हम कम बैक कर लेंगे इसको। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चलें थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये हमारे साथ एक बैट्समैन भी बैठा है, उनसे भी पूछते हैं इनका नाम। क्यों आप घबरा रहे हो यार? चलें ये है ना, ये दो तो हैं जी भाई। तो हमारे साथ इस टाइम बैट्समैन भी बैठे हुए हैं, ये फिल वक्त आउट होकर आए हैं। तो बाकी ये पूछ लेते हैं कि इधर की इनसे ये क्वेश्चन मैंने करना है कि भावलपुर की जो क्रिकेट है उस पर कितनी तवज्जो दी जा रही है, कितने प्लेयर आगे आ रहे हैं जो कि हमें नज़र आएंगे आगे। नहीं अभी तो अक्सर यानी कि लॉकडाउन के बाद बंद थी क्रिकेट जी, ठीक है। तो अब जैसे क्रिकेट स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह प्लेयर सामने आएंगे। हमारे दो तीन लड़के काफ़ी अच्छे हैं, बाकी और क्लब्स के भी अच्छे हैं। तो लाहौर कलंदर में ट्रायल्स वगैरह होंगे बाद में? हाँ, तो उनमें लड़के जाएंगे हमारे इंशाल्लाह, जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो। तो आपकी टीम सतलुज की है? नहीं, हमारी जो है एवेंजर्स की। एवेंजर्स की है। तो साथ ये दूसरे भाई भी हैं, ये भी अभी बैठे हुए हैं बैटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासरात हैं। तो आप अपना नाम बता दें सर। मेरा नाम शहबाज अहमद है, अभी हमारे मेन प्लेयर भाई ठहरे हुए हैं, दो विकेट निकल गई हैं, इंशाल्लाह अभी स्कोर हो जाएगा, चेस पे जा रहे हैं, उम्मीद है। तो गाइज़ ये भावलपुर सिटी है, तो इधर की खासियत आप देख सकते हैं कि इधर भी जो है ना सूरत हाल जो है क्रिकेट की काफ़ी बेहतर है। इधर भी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नो डाउट के खिलाड़ी भावलपुर से अभी तक तो कोई पाकिस्तान की टीम में नहीं आए, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि आगे कोई ना कोई खिलाड़ी आएंगे। तो बाकी आप देख सकते हैं कि इनका जोश बलबला, ये किट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, जूते वगैरह पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस वगैरह भी जारी है। तो इंशाल्लाह बस हमारे वीडियो इधर तक थी। तो भाइयों को बस कहते हैं कि चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, बहुत मेहरबानी। चलें कि ये क्रिकेट स्टेडियम में जॉगिंग ट्रैक जो है वो 1200 मीटर है। इसके अलावा यहाँ आसपास कुछ ऐसा ग्राउंड भी बनाया गया जिधर पब्लिक वगैरह आम भी खेल सकती है, तफरी के लिए लोग आते हैं। तो काफ़ी प्यारी जगह है ये।